तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप करता हूँ चल अच्छे गए। तो आज के वीडियो की शुरुआत भाई देख लो कहाँ से हो रही है। आज के वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं जो अहमदाबाद से लेके मुंबई तक का जो प्रोजेक्ट बन बुलेट ट्रेन का, उसका आज आप लोगों को अपडेट वीडियो दिखाने वाले हैं। तो अभी मैं हूँ वडोदरा सिटी में। जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछली सीरीज़ को फॉलो किया होगा, तो वडोदरा सिटी से मैंने कोई वीडियो नहीं दिया था, तो इसलिए आज आपके लिए वडोदरा सिटी से लेकर के आ गए हैं। वैसे मैं दिखा दूँ आपको, कुछ इस तरीके का यहाँ पर काम देखने को मिल रहा है, जो कि ये काम चल रहा है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जिसका कॉन्ट्रैक्टर है लैंसन एंड टर्बो कंपनी, LNT कंपनी। तो देख लो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ काम देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरीके के यहाँ पे बड़े बड़े पिलर्स बनाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर से मस्त अपनी बुलेट ट्रेन होकर के जाएगी। तो कुछ इसी तरीके का वीडियो आप लोगों को आज दिखाएंगे। चलते हैं वीडियो में थोड़ा सा आगे की तरफ। ये यहाँ पर ये जो एरिया है, ये काफ़ी बड़ा है, कंस्ट्रक्शन साइट दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे वडोदरा सिटी का जो स्टेशन बनने वाला है वही बनेगा। जस्ट जो पुराना रेलवे का स्टेशन है उसी के बगल में ही ये पूरा काम चल रहा है। और अगर हम बात करें कि इस रूट पे टोटल कितने स्टेशन होने वाले हैं, तो इस रूट पर मैं बता दूँ कि टोटल 12 स्टेशन होने वाले हैं। मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलमोड़ा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद एंड साबरमती। और इसी के साथ मैं बताता चलूं कि इस रूट की टोटल जो डिस्टेंस है वो होने वाली है 508 किलोमीटर, जो कि ट्रेन कवर करेगी मात्र 2 घंटे 10 मिनट में। तो जी हाँ, कुछ यही प्रपोजल अभी रखा गया है। देखते हैं आगे जब ट्रेन चलेगी तब क्या स्पीड रहेगी और क्या टाइम लेगी। और वैसे मैं बता दूं कि जो ट्रेन की स्पीड बताई जा रही है अभी मैक्सिमम 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताई जा रही है। तो देखते हैं भाई फ्यूचर में कि क्या होता है। वैसे तो अभी आप लोग देख सकते हो कि ये वडोदरा के आसपास का एरिया है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से पिलर्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरा खुदाई उदाई करा हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने मेरे प्रोजेक्ट वीडियोस आप लोग देखते रहते हो, मैं लाता रहता हूँ इस तरीके के वीडियोज़। तो उसी के चलते देख लीजिए, कुछ इस तरीके का काम आप लोगों को देखने को मिलेगा हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का। मैं आप लोग को लेके चलता हूँ मुंबई तक, अभी दिखाऊंगा पूरा रास्ते में कि कैसा क्या काम चल रहा है। और यार यहाँ पे क्या काम चल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन देखने को फिलहाल मिल रहा है। चलते हैं और आगे। ये जस्ट वडोदरा स्टेशन ही बनेगा यहाँ पर, उसके आसपास का एरिया है, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा काम देखने को मिल रहा है। निकलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये देख लीजिए, यहाँ पर मस्त बैरिकेडिंग करके रखी हुई है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। तो कुछ और मैं बता दूं कि ये जो यहाँ पर पिलर्स वगैरह हैं, आप देख सकते हो ये चार साइड के हैं और काफ़ी चौड़े पिलर बनाए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि भाई बुलेट ट्रेन है वो काफ़ी स्पीड में निकलेगी, तो हल्के फुल्के पिलर्स को नहीं बना सकते हैं कि पता चला कि वो ख़राब हो गए। तो इस वजह से ये चौड़े चौड़े पिलर्स को बनाया जा रहा है, जिससे कि अच्छा काम हो सके। तो देख लीजिए, कुछ अंदर चल के आप लोगों को कुछ शॉट्स दिखाते हैं। वैसे यहाँ जाना तो ज़्यादा लोगों को अलाउड नहीं है, पर जो लोग यहाँ काम करते हैं या कुछ इस तरीके का दिखाना चाहते हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, तो उन लोगों को जाने का अलाव रहता है। तो उसी वजह से मैं भी गया था, मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देते हैं कि किस तरीके का काम यहाँ पर चल रहा है। वैसे तो ऑलमोस्ट पूरे में ही बैरिकेडिंग है। कुछ लोगों को बहुत दिनों से जानने की एक क्यूरियोसिटी हो रही थी कि काम क्यों डिले था। तो देख लीजिए, मैंने एक कटिंग दिखाई है आपको कि क्यों डिले हो रहा था। मुंबई के साइड में लैंड एक्विजिशंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है। तो इसी वजह से बहुत फास्ट ट्रैक पर ये काम चल रहा है। तो ये मैं कुछ स्काई वॉक से आपको शॉट्स लेके दिखा रहा हूँ, जो कि वडोदरा में एशिया का नंबर वन बस स्टैंड बना है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पे होगा, आप जाकर के देख सकते हो। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक और छोटी सी अपडेट देता चलूँ कि इस बुलेट ट्रेन को फाइनेंस कौन कर रहा है इंडिया में। तो जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, जो कि इसको यहाँ पे फाइनेंस कर रही है, इन्होंने एग्रीमेंट एक साइन किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, जिसकी वैल्यूएशन है 22,627 करोड़ रुपए। भाई बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये एक ऐसा असिस्टेंस लोन के तौर पे एक ये एग्रीमेंट हुआ है दोनों ही देशों के बीच में। तो ये ही देख लो, आपको नज़ारे, एक्सक्लूसिव नज़ारे देखने को मिल रहे हैं हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के। कुछ इस तरीके के ये पिलर हैं भाई, देख लो बड़े बड़े से, इनकी मस्त पाइलिंग वाइलिंग सब हो चुकी है और ये बस फिलिंग के लिए तैयार हैं। यहाँ पे आना भाई, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, सभी लोगों को अलाउड नहीं है, कुछ ही लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और कुछ इस तरीके का यहाँ पर देख लो, बार्स वगैरह को फिटिंग कर करके रख दिया गया है। तो ये है अपना मस्त वडोदरा जंक्शन। तो कुछ इस तरीके के नज़ारे आपको इस समय अगर आते हो आप तो देखने को मिलेंगे। चलते हैं और आगे, कुछ एक और सेक्शन में आप लोगों को लेकर के चलते हैं अभी इसके बाद।
दिखाते हैं यहाँ पे कि वहाँ पे कुछ कैसा काम चल रहा है। वहाँ पे रेलवे ऑफिशियल्स ही ज़्यादातर जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये तो जस्ट आप सामने देख सकते हो वडोदरा जंक्शन, यही है सामने। तो चलते हैं और आगे आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाते हैं काम किस तरीके का चल रहा है यहाँ पर। ये रहा वो एरिया, देख सकते हो आप, ये मुंबई की तरफ ट्रैक जाता है सीधा ही। आप वैसे अगर आप सूरत से या वडोदरा से अगर आप चलोगे मुंबई की तरफ, तो अभी मैंने मैप में भी दिखाया, जस्ट सीधे ही है। आपको इधर उधर कहीं पे भी मुड़ना नहीं है। अगर आप बाय रोड भी जाना चाहते हो तो जस्ट सीधे चले जाइए आप, हाईवे पूरा मिलेगा आपको, सूरत वगैरह वापी होते हुए आपको पहुँचा देगा। तो देख लीजिए, ये मैं आपको मुंबई की तरफ ले चल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कुछ एक्सक्लूसिव से नज़ारे कि किस तरीके का काम चल रहा है, जो कि लॉन्सन एंड टर्बो कंपनी जो इनके कॉन्ट्रैक्टर हैं, पूरा काम ये अच्छे से सक्सेसफुली कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा भी लगता है इस तरीके का देख करके, डेवलपमेंट अपने इंडिया में हो रहा है, बुलेट ट्रेन अपने इंडिया में चलेगी, तो भाई एक प्राउड वाली बात है अपने इंडिया के लिए। तो चलते हैं और आगे थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। वैसे मैं बता दूं कि ये एरिया कुछ वापी के आसपास का एरिया है, और आगे चलते हैं। मैंने कट कट कर करके दिखाया है जिससे आप लोगों को एक नज़ारा मिल जाए, दिख जाए आप लोगों को कि कैसे क्या काम चल रहा है। तो यही कुछ था आज का वीडियो, देख लीजिए कुछ इस तरीके का पिलर का पूरा काम चल रहा है। चलो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब तो कर देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।